चीफ गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर अश्विनी खजूरिया एसोसिएट प्रोफेसर फूड साइंस डिपार्टमेंट GDCW उनका स्वागत करता हूँ। आज इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के जहाँ हमारे बीच आए और ये आपके साथ बहुत ही वैल्यूएबल जो प्रैक्टिसेस है रिगार्डिंग फूड्स, कि फूड जो है वो कैसा फूड होना चाहिए और एक अच्छा हेल्दी फूड आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। तो ये आज आपको उन चीजों के बारे में जहां डिस्कस करेंगे, जो जो सजेशन सर देंगे वो आपने फॉलो करनी है और जिस जगह से आप आते हो वहाँ लोगों को बताना है और जहाँ भी आपको 7 दिन आपने रहना है, आज थर्ड डे है, डोर टू डोर घरों में जाके जो सर आपको सजेशन देंगे उनको लेके गांव के लोगों को आपने बताना है कि कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्योंकि खाने का भी तरीका होता है। अगर आप अच्छी चीजें खाते हो तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, अगर आप जो चीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है वो खा लेते हो तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो जैसे हमारे बीच नन्हे बच्चे हैं इनको भी सर बताएंगे कि कौन सी चीज़ें जो है खानी है, क्योंकि कन्फेक्शनरी की आइटमें मार्केट में बहुत होती है और बच्चे उन चीज़ों को खाते हैं जिनसे अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सर ने डिस्कस करी जो छोटी छोटी होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं, ये पैकेट बिस्किट्स के हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स जो जितने भी हम मार्केट में लेते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा होता है हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे आशा है कि सर ने जो वैल्यूएबल सजेशन आपको दी आपने अपनी लाइफ में इसको उतारना है और कोई भी चीज़ आप मार्केट से लेते हो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि उसमें कौन कौन से हैं और वो क्या यूज़फुल है या नहीं है, और आपने भी लोगों को एजुकेट करना है। तो ये जो गांव के लोग जहां आए हैं मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं कि आप जहां आए और सर को बड़े पेशेंटली आपने सुना। तो मुझे भी आशा है कि आप अपनी फैमिलीज में अपने घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं